जी के नेतृत्व में जो नया भारत है वो अंगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे अब वे भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। ये है परिवर्तन। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने यही तो देश को एक नई दिशा दी है। आज आप देख रहे हैं एक एक करके सैकड़ों वर्षों से दबी हुई वे भावनाएं, आस्था के वे केंद्र फिर से अपने नए रूप में सामने आ रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों से प्रारंभ हो चुका है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या नई अयोध्या बन गई है। कल हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ अयोध्या में थे। राष्ट्रपति जी ने कल रामलला के दर्शन किए अयोध्या में। आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति अयोध्या आए हैं जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। यानी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हमारे इन सभी देव विग्रहों को की पूजा करने और उनके दर्शन करने में भी लोगों को इससे पहले की सरकारों को सांप्रदायिकता का भय होता था, कहीं हमके सांप्रदायिक होने का लेपन न लग जाए। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है वो अंगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे अब वे भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। यह है परिवर्तन। आज होड़ लगी है। पहले लोगों में होड़ किस बात की लगती थी? पहले आपके पर्व और त्योहार में कोई बधाई देने के लिए न कोई मुख्यमंत्री आता था, न कोई मंत्री आता था, न कोई विधायक आता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को छोड़ दें तो शेष अन्य दलों के लोग दूर भागते थे। हर पर्व और त्योहार में बधाई दी जानी चाहिए अगर वह उसके अनुरूप है। शुभकामनाएं देनी चाहिए, मंगल कामनाएं व्यक्त होनी चाहिए। लेकिन लोग डरते थे, एक तरफा चलता था। हिंदू पर्व और त्योहारों में कोई नहीं आता था, कोई भी सहभागी नहीं बनता था। पर्व त्योहारों में अलग से बंदिशें लगती थी। पर्व त्योहार नहीं मनाना है, लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, साफ सफाई नहीं होगी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। अलर्ट जारी होता था कि रात 12 बजे के बाद हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे, दोपहर 12 बजे के बाद रंगोत्सव का कार्यक्रम नहीं करेंगे। अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है। अब तो हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाएंगे और हमारे कान्हा तो रात्रि को 12 बजे ही जन्म लेते हैं। यह है परिवर्तन। और भाइयों बहनों, अपनी इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को रखते हुए, सुरक्षित और संरक्षित करते हुए हमें विकास और तकनीक के नए युग में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।